हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बुक रिव्यूज़। मैं आपका दोस्त अभिषेक मित्तल हाजिर हूँ एक नई बुक का रिव्यू लेकर, जो कि CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। CA फाइनल ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस। तो अभी तक हमने देखा है जो मार्केट में जो बुक्स आ रही हैं वो न्यू कोर्स के लिए अलग आ रही हैं, ओल्ड कोर्स के लिए अलग आ रही हैं। बट इन एडवांस ऑल्टिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जो सुरभि बंसल मैम ने जो बुक को लिखा है वो एक्चुअली एक ही पार्ट में आ रहा है, एक ही बुक आ रही है, उसमें न्यू एंड ओल्ड दोनों के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये दोनों के लिए कैसे हो सकता है, जबकि जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग है। तो मैं आज उसी को क्लियर करने के लिए ये रिव्यू वीडियो और एक तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए मैं कुछ डिटेलिंग्स दे देता हूँ आपको इसके बारे में, और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए जो भी मार्केट में जो भी अच्छी बुक्स आती हैं उनका रिव्यू करता रहूँ। और चलिए, CA फाइनल का रिज़ल्ट आ गया है एंड मई 2018 का। सो दोस्तों से गुजारिश भी है कि अगर ये वीडियो उनके फ्रेंड्स तक पहुँचे तो अच्छा रहेगा, जो लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं, और जिनको ये भी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, CA सुरभि बंसल फॉर नवंबर 2018 एग्जाम्स। तो इसमें जो स्टैंडर्ड्स अकाउंट, जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं वो अप्रैल 2018 तक के इंक्लूडेड और अपडेटेड हैं, यानी कि ये बुक नवंबर 2018 स्टूडेंट्स के लिए है न्यू एंड ओल्ड, और उसमें जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अपडेटेड हैं। ठीक है, इसमें जो है कुछ फ्लो चार्ट्स नए ऐड किए गए हैं और सुपर समरीज फॉर रिवीजन, सुपर समरीज उसकी भी बात हम बाद में करेंगे, और केस स्टडीज़ भी जो है इसमें इंक्लूड की गई हैं, और इसमें पास्ट अटेम्प्ट का मई 2018 का क्वेश्चन पेपर भी है। हाँ, बट वो सॉल्व नहीं है, क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले बुक का MRP देखेंगे हम, 775 का MRP है। उसके बाद हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो हैं 24। देखिए आप, 24 चैप्टर्स हैं इसमें। और अगर मैं बात करूं जो स्टैंडर्ड्स का पार्ट है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो करीबन 200 पेज में हैं। आई रिपीट, 200 पेज तक स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं दिखा दूं आपको, पर क्वेश्चन पेपर है ये मई 2017 का। उसके बाद क्वेश्चन पेपर है ये नवंबर 2017 का। उसके बाद क्वेश्चन पेपर है मई 2018 का, लेकिन ये सॉल्व नहीं है, तीनों पेपर सॉल्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये बुक स्टार्ट होती है। इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं जो मुनीर सर की बुक में हुआ करते थे, जिसको उन्होंने रेक्टिफाई किया। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे ये डार्क प्रिंटिंग है, तो थोड़ा सा मतलब कलर इसका वाइट होना चाहिए था, क्योंकि डार्क पे डार्क कर दिया है, बट एनीवेज आप समझ जाएंगे उसको। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जो एसेज हैं,
और सारी बुक ये टेबलर फॉर्मेट में है। और टेबलर फॉर्मेट में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि स्टूडेंट्स को याद हो जाता है, समझ आ जाता है। लेकिन याद आना और समझ आ जाना सिर्फ इसी के भरोसे एग्ज़ाम में नहीं जाया जाता, आपको आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस बुक को अगर आप यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सुना भी है, मैंने उनसे बात भी की है, उनका ये कहना है कि सुरभि बंसल मैम की बुक पढ़ के समझ में आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, बट एग्ज़ाम हॉल में लिखें कैसे, क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि बुक बहुत अच्छी है समझने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा लिखने की। इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, जो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स हैं, उसमें आप उनकी लैंग्वेज थोड़ा देखकर समझकर आप इस बुक को एज अ सेल्फ स्टडी बुक रखें समझने के लिए, और जो है अपनी प्रिपरेशन करें। तो इस तरीके से पूरी बुक टेबलर प्रेजेंटेशन में है और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा, ये लोग पता कैसे लगाएंगे कि ओल्ड या न्यू का है। तो ये देखिए यहाँ पे वाटर मार्क लगा हुआ है, ओनली फॉर ओल्ड कोर्स, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, ओनली फॉर ओल्ड कोर्स, ओनली फॉर ओल्ड कोर्स। तो इस तरीके से बीच बीच में वाटर मार्क लगा दिए गए हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ओल्ड कोर्स वालों को, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर मार्क लगा दिए गए हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। तो यहाँ पे ओनली फॉर न्यू कोर्स लिख दिया है, ठीक है। तो आई रियली होप आप समझ गए होंगे ये दोनों के लिए क्यों यूज़फुल है, एप्लीकेबल क्यों है। तो अगर मेरे दोस्त अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं आप इस बुक के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा ज़रूर, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, इस बुक को और स्टडी करूँगा, अगर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करूँगा। और इस बुक को आप परचेज कहाँ से कर सकते हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है बुक से रिलेटेड, और परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल रहेगा। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।